हे गाइस, गुड आफ्टरनून। और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग पे। उससे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला नमस्ते और छोटू को प्यार भरा आशीर्वाद। तो आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं 12:30 के करीब से, क्योंकि मुझे दिन में से मतलब सुबह से ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, तो मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ 12:30 के करीब से। और अभी बना रही हूँ मतलब मैं खाना दिन का, क्योंकि दीदी लोग वहाँ से निकल गए, मतलब हमारे मायके से निकल चुके हैं, और शायद वो लोग पहुँच भी सकते हैं नहीं भी। तो मैंने खाना तो बना लिया है, रात के लिए रख दूँगी, क्योंकि जीजा जी को रात को चावल खाने की आदत है। तो अभी बना रही हूँ मैं चाय, और वहाँ रख के आई हूँ मतलब चावल तो बन चुके हैं, सब्जी रख के आई हूँ मूली आलू मिक्स की। क्या नहीं आई? क्या मोगली नहीं आई? सूख गए आपके बाल, दिखाओ तो। तो भाई इसको नहाई नहाई करा लिया है, और इसके बाल मैंने सुखाने के लिए छोड़ रखे हैं, क्योंकि अगर ऐसी तेल डाल दूंगी तो बाल चिपचिपे हो जाते हैं। और रहने दो बेटा, आ जाओ, हेलो कर दो, हाय कर दो। मिला बच्चा हुआ ना अच्छा वाला, फिर दूंगा, रखा है मम्मा ने। तो फटाफट बना लेती हूँ चाय, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो भाई चावल बन चुके हैं और मेरी सब्जी भी हो गई है तैयार। ओह, हाथ जल गया। और अब मैं बना लेती हूँ इसमें झोली। आप लोग भी कहोगे कल भी झोली आज भी झोली, मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये मूली की बना रही हूँ ना, इसमें हरे पत्ते और मूली है, क्योंकि चाचा जी को 4 पॉइंट कुछ वो है पीलिया की शिकायत बता रहे हैं डॉक्टर, तभी मैं रोज़ झोली बना रही हूँ और मूली की सब्जी बना रही हूँ। थोड़े बहुत मैंने इसमें एक दो दाने उड़ा रखे हैं आलू के, क्योंकि फिर अजीब अजीब हो जाती है ना तब। तो फटाफट बना लेती हूँ छोली, फिर बनाऊँगी सासू माँ के दो पराठे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हो अल्लाह लू पहले लगा लू। तो खाना भी बन चुका है और हो गया है मौसम खराब, तो मैं आ गई हूँ अब लकड़ियाँ लेने के लिए। फटाफट इस डुक्के में भरती हूँ लकड़ियाँ। रुक जा थोड़ी, रुक जा। तो वहाँ मैंने बात रखी है थोड़ी, तो उसने शायद सुन ली है आवाज़, तो वो वहाँ से अम्मा अम्मा करने लग गई। पहले लकड़ियाँ ले जाती हूँ, फिर ले जाऊँगी उनको घर, क्योंकि अगर लकड़ियाँ भीग गई ना फिर हो जाएगी मुसीबत शाम के लिए। तो मिलती हूँ आपको बाद में। चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब, और सरगोबूढ़ी भी गड़बड़ गड़बड़ करने लग गई है। मैं जा रही हूँ सूखी घास लेने, आप देख सकते हो ये सरगोबूढ़ी गड़बड़ाहट कर रही है, और मेरे बाल कैसे हुए, मुझे होश भी नहीं है बाल लाल बनाने की, क्योंकि घर का ही काम इतना हो जाता है। आप लगा सकते हो कि मैं एक दिन भी ना खेत में गई हूँ ना कुछ, सिर्फ घर का काम में ही मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो फिर भी ब्लॉग बनाती हूँ। तो खाना भी खा लिया है हम लोगों ने, दीदी लोग भी बस पहुँचने वाले हैं, रसियापाटा की मार्केट में पहुँचे वो लोग, और मैं निकाल के ले जाती हूँ फटाफट सूखी घास। आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। गाइस ये है मेरी चुन्नी और मुन्नी, चुन्नू मुन्नू है ना, आप भी दिखाओ, ये देखो, इसको भी देखो, चुन्नू मुन्नू। तो गाइस हो गया है शाम का वक्त, और मैंने काट ली है सब्जी। सब्जी में काटी है मैंने आज बीन्स और आलू, और प्याज और टमाटर दोनों काट दिए हैं। तो दीदी लोग तो पहुंच गए हैं, पर दीदी को गाड़ी लगती है तो ना वो सो गई है, तो वो उठेगी अब कल सुबह। तो मैं बना लेती हूँ पहले सब्जी। और आज पता है मुझे इतनी थकान हो चुकी है ना, कि अगर कोई खाना बनाने वाला और होता तो ना मैं कभी खाना नहीं बनाती और सो जाती, क्योंकि दिन भर का इतना काम रहा क्या बताऊँ। और बनाती हूँ सब्जी, इसके बाद धोने हैं बहुत सारे बर्तन, फिर उसके बाद है गाय भैंसों को चारा देना। और आज मैं ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना पाई, मेरा मूड भी नहीं कर रहा था,
और मुझे टाइम भी नहीं हो रहा था बिल्कुल, तो मैंने नहीं बनाई। और ये निकाल रखी है बकरी के लिए, ये चावल ही चावल पका रखे हैं उसके लिए। तो शायद कल से हमारा यहाँ का काम भी स्टार्ट होने लग गया है, कल से हम यहाँ खाना नहीं बनाएंगे। पर यहाँ अच्छा लगता है खुले खुले में, वहाँ तो एकदम बंद बंद है। हमारा एक ही नीचे वाले कमरे हैं ना, पुराने घर के कमरे हैं, तो उसमें अजीब अजीब सा लगता है। यहाँ अच्छा लगता है खुले में, बहुत जगह भी है। जब ये अच्छा बन जाएगा ना, तब फिर हम यहीं खाना बनाएंगे। पर जो हमने ये टिन लगा रखे हैं हवा पास होने के लिए, हम इनको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि जब घर में कोई प्रोग्राम होते हैं ना, जैसे शादी, नामकरण, पूजा पाठ, तो हमारा खाना यहीं बनता है। तब हम ये सारी चीज़ें निकाल करके इसको खुला छोड़ देते हैं। तो हम इसको यहाँ पे दीवार नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। यहाँ पे हमें लगाना है एक पंखा जिससे धुआं पास हो सके बाहर को, और एक खिड़की लगाएंगे, तो इसको बंद कर देंगे पूरा। मैं तो कह रही थी कि घर वालों से यहाँ को मतलब सेल्फ डाल दो, लाइट नहीं है तो अंधेरा दिख रहा है, यहाँ पर को दो सेल्फ डाल दो, तो मना कर रहे हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लोगों के लिए मतलब 200-300 लोगों के लिए खाना बनेगा, तो यहाँ पर को जो वो होते हैं ना बड़े बड़े चूल्हे लगते हैं, तो उससे उनके सर में लगने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम यहाँ थोड़ा बहुत ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब किचन जो मतलब नया किचन बनाने वाले हैं, वो हमने दूसरी जगह सोच रखा है, नीचे वो नीचे की साइड को, तो हम उसको नीचे की साइड को बना लेंगे। तो फटाफट बना लेती हूँ मैं अभी रोटी और सब्जी, क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही है, आप देख सकते हो मेरा मुँह। और मिलती हूँ अभी, तो कहाँ 9-10 बजे तक तो काम ही है, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। गाइस मौसम फिर से हो चुका है ख़राब, और आ गई है बहुत तेज वाली बारिश। तो पहले तो मैं जला लेती हूँ लाइट, और जाके अपने कमरे के भी, क्योंकि मैं कल से अपने कमरे की ओर नहीं गई हूँ और ना ही मैंने वहाँ की लाइट जलाई है। तो फटाफट से जाती हूँ अपने कमरे में और करती हूँ वहाँ की लाइट ऑन। तो पहुँच गई हूँ अपने रूम में और हो गई है लाइट ऑन। तो मुझे ना यहाँ इतना अच्छा लगता है, पर मैं मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं हो पा रहा है कि मैं यहाँ आके थोड़ी देर रिलैक्स करूँ। हाँ कल से नहीं आई हूँ शायद मैं यहाँ, तो आज मेरे से एक गलती हो गई है। वो गलती है, कल है मेरा फास्ट और मैंने आज डाल दिया है सब्जी में, क्या कहते हैं उसको, प्याज। तो अब मुझे खाना पड़ेगा कुछ और, नमक के साथ खाना पड़ेगा शायद। तो अब क्या करूं, तो मिलती हूँ मैं आपको। मतलब कुछ ना कुछ गलतियाँ ना लगी रहती हैं, होती रहती है। तो कल फास्ट है और नमक खाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा बीपी बहुत डाउन चलता है, बहुत डाउन, मतलब 90 से ऊपर कभी नहीं जाता, 90 या 95 बस इतना ही रहता है मेरा बीपी। तो मुझे अब नमक के साथ खाना पड़ेगा। तो आ गई हूँ अपने कमरे में और जाती हूँ अब मंदिर वाले रूम में, वहाँ की भी लाइट कर लेती हूँ ऑन। और बारिश आ गई है बहुत तेज, तो यहाँ भी थोड़ी देर तो अंधेरा ही रहेगा। अब मैं जलाती हूँ लाइट, हो गया उजाला। और पता है आज मैंने नहाया नहीं है, तो कोई नहीं बताता होगा कि मैंने नहाया नहीं नहाया, पर मैंने आज नहीं नहाया है, तो मैं दिया नहीं जलाऊंगी आज, कल नहाऊंगी। और बना लेती हूँ अब, आटा लगा लेती हूँ पहले, उसके बाद बनाऊंगी मैं चाय, फिर होगा मेरा और काम। आप भी कहते होंगे रोज़ वही बोरिंग बनाती रहती है, अब क्या करूं, कोई घर वाले आते ही नहीं है, तो मुझे अकेले ही बनाना पड़ता है। तो आप अकेले ही मेरे को झेल सकते हो, तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइज आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, तो आज का ब्लॉग बना दें फिर समाप्त करूँगी। आई होप आपको पसंद आए, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए गुड नाइट।